हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड क्विज पार्ट 8, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। कल आयोजित क्विज में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 1994। आज आयोजित क्विज में 30 प्रश्न उत्तराखंड के व 10 प्रश्न हिंदी के लिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो 10 सेकंड के अंदर जितने भी मेंबर लाइव हैं कृपया जल्दी से आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, बी नैनीताल, सी चमोली, डी हरिद्वार। तो 10 सेकंड में जल्दी आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न तीसरा है हमारा, बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए थारू, बी बोक्सा, सी राजी और डी कोल। तो जल्दी से जितने भी मेंबर लाइव हैं कृपया जल्दी आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए थारू। चौथा प्रश्न हमारा, बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंपावत, बी पिथौरागढ़, सी टिहरी, डी उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी पिथौरागढ़। पांचवा प्रश्न हमारा, जाट जनजाति का मुख्य गांव जादूंग किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी पिथौरागढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा पांचवे का बी। छठा प्रश्न हमारा, बनिया बनियान म्योर म्यूराण माल मल कुरु जोगी किस नृत्य की शैली है? हिल जात्रा, हनोल मेला, कंडाली उत्सव या रमाण। तो जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। सातवां प्रश्न हमारा, उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? जितने भी मेंबर हैं कृपया अपना आंसर जल्दी दें। सभी मेंबर जितने भी लाइव हैं कृपया क्विज के लास्ट में अपना सुझाव दें कि क्विज में अधिक मेंबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये क्विज का समय चेंज किया जाए, तो कृपया इस बारे में अपना सुझाव जरूर दें। आठवां प्रश्न हमारा, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन ए जौनसार, बी थारू, सी भोटिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए जौनसार। नौवां प्रश्न हमारा, छमुना पातर कत्यूरों से किस प्रकार संबंधित है? जितने भी मेंबर लाइव हैं कृपया जल्दी आंसर दें, काफ़ी लोगों का सही आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। दसवां प्रश्न हमारा, मानसा ने किस शासक को सोन बाण यह स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए कालू भंडारी, बी माधो सिंह, सी रखोला लोधी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 11वां प्रश्न हमारा, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने लोहाघाट में स्थित मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1799, बी 1899, सी 1900 और डी 1890। कृपया अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 12वां प्रश्न हमारा, सुयाल नदी जिसके तट पर लाखों डेयर है,
का प्राचीन नाम क्या है? लुथा, बुक्शाड, या सालमली, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 13 प्रश्न, हमारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित था? कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, इसमें से किसने भाग लिया था? इंद्र सिंह जलाल, बी जलाल ज्वालादत्त जोशी, सी मुकुंदलाल, या डी, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 14 प्रश्न, हमारा अंग्रेजों के द्वारा नैनीताल को कहा जाता था? ऑप्शन ए छोटी विलायत, बी सरोवर नगरी, सी मिनी स्विट्जरलैंड, डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना आंसर दें। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन, हमारा प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए, यमुना। 16 प्रश्न, हमारा कोयराला नदी काली नदी से किस स्थान पर मिलती है? ऑप्शन ए टनकपुर, बी नानकमत्ता, सी खटीमा, और डी पंचेश्वर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? ऑप्शन ए जौनपुर, बी माणा, डी सी नानकमत्ता, डी सौरघाटी। तो जल्दी से जितने मेंबर लाइव हैं कृपया अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 18 प्रश्न, हमारा उत्तराखंड में गांव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाली अस्कोट अराकोट अभियान प्रथम बार कब आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए 1970, बी 1972, सी 1974, डी 1980। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 1900 प्रश्न, हमारा किस हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव कौन सा है? ऑप्शन ए मिलम, बी जादुंग, सी खाती, डी पॉन्टिंग। तो जल्दी से आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न, हमारा भारत की नदियां स्त्रीलिंग होती हैं लेकिन इसका अपवाद कौन सी नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी काली, सी भागीरथी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न, हमारा उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुड़की, बी नैनीताल, सी ऋषिकेश, डी देहरादून। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, देहरादून। 22वां प्रश्न, हमारा चनौदा जो सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940। तो जल्दी अपना आंसर बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। 23वां प्रश्न, हमारा मिशन गंगा के तहत शोध संस्थान कहाँ खोला गया? ऑप्शन ए लक्षर, बी रुड़की, सी लंडोर, डी देहरादून। तो इसका आंसर हमारा बी रुड़की। 24वां प्रश्न, हमारा गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर अधिकार किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1691, बी 1790, सी 1591, डी 1791। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 25वां प्रश्न, हमारा महलवाड़ी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए भू राजस्व, सी राज्याभिषेक, सी उत्तराधिकारी, डी विवाह प्रथा।
इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न हमारा, गढ़वाल क्षेत्र को पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बद्रिकाश्रम, बी तपोभूमि, सी दोनों, डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 27वां प्रश्न हमारा, सिखों से बचने के लिए किसने राखी कर लगाया था? जल्दी से जितने भी मेंबर लाइव हैं कृपया अपना आंसर जल्दी जल्दी दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न हमारा, मनु का निवास स्थल उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र था? ऑप्शन ए कण्वाश्रम, बी बद्रिकाश्रम, सी अलकापुरी, डी कनखल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न हमारा, रुद्र शिवा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी गोपेश्वर, सी पिथौरागढ़, डी हरिद्वार। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी गोपेश्वर। 30वां प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में महत्तम क्या कहलाता था? जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। अब हिंदी के प्रश्न हैं 10। तुलसीदास के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी महादेव वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न हमारा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है? ऑप्शन ए ग्रंथी, बी गीतिका, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दें। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 33वां प्रश्न हमारा, कानन कुसुम के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो अपना आंसर बताएं कृपया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न हमारा, प्रेम पथिक के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी धर्मवीर भारती। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 35वां प्रश्न हमारा, रजत शिखर के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 36वां प्रश्न हमारा, छायावाद युगीन के रचनाकार इनमें से कौन कौन हैं? सुमित्र नंदन पंत, बी रामधारी सिंह दिनकर, डी सी नागार्जुन, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। 37वां प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद्र की रचना नहीं है? सेवा सदन, बी प्रभावती, सी गोदान, डी गबन। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न हमारा, इरावती के रचनाकार हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी अज्ञेय, और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न हमारा, चोटी की पकड़ के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और डी गौरव पंत। तो जल्दी से अपना आंसर दें जितने भी मेंबर लाइव हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी।
40वां प्रश्न हमारा, काले कारनामे के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी धर्मवीर भारती और डी गजानंद माधव। लास्ट प्रश्न है, जल्दी से अपना आंसर दें। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी। और एक प्रश्न आपके लिए है, ईला चंद्र जोशी की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए भूत का भविष्य, बी ऋतुचक्र, सी प्रेत और छाया और डी उपयुक्त सभी। वीडियो कैसा, क्विज आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट प्रश्न का जो आंसर होगा वो भी यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में ही बताएं एवं अपने सुझाव भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।